आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत करीब है और इसको देखते हुए चुनावी अभियान भी अब तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। और इसी क्रम में भाजपा के दिग्गज नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिकोहाबाद और हाथरस में डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए पहुंचे। हाथरस में डोर टू डोर कैंपेन के दौरान लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया है। बता दें कि हाथरस के मस्जिद चौराहे पर भाजपा की ओर से भारी भरकम संख्या में उपस्थित होकर बैटरी स्वागत की तैयारी की गई थी और यहीं से जनसंपर्क कार्यक्रम भी शुरू किया गया। वहीं गोरखपुर में सदर विधानसभा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद पहली बार भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर पहुंचे और अंबेडकर चौराहे पर बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर वहां मौजूद लोगों व दुकानदारों से संवाद किया। संवाद करते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की चंद्रशेखर ने अपील की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्या यही राम राज्य है? आज गोरखपुर में हत्यारों का दौर जारी है और अभी दो छात्रों की हत्या का मामला सुलझा भी नहीं था कि फिर से एक महिला के दिनदहाड़े बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। आगे उन्होंने सीएम योगी पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, मैं दूसरी पार्टी के बारे में उनकी नीतियों के बारे में नहीं कह सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सोच रहे थे उनको वॉकओवर मिल जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। हम पिछले 5 साल भी लड़े हैं और ये चुनाव भी लड़ेंगे और इसके बाद भी लड़ेंगे। हमारा काम है जो शहादत दी गई है देश को गुलामी से निकालने के लिए, वो शहादतों का सम्मान ये है कि देश में लोकतंत्र जिंदा रहे। जो बिजनौर में विधानसभा चुनावों का प्रचार जोरों पर है और जाटों को रिझाने के लिए भाजपा कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और इसी कड़ी में पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाजपा युवा प्रभारी और अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी बबीता फोगाट आज बिजनौर पहुंची। बिजनौर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर वोट की अपील की। इस मौके पर बबीता फोगाट ने कहा कि वो बिजनौर पहुंची है और डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील कर रही है। इसी के साथ उन्होंने विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, मकसद में भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा पश्चिम क्षेत्र का प्रभारी बना रखा और उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी, तो आज युवा मोर्चा के साथ हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके लिए कंपेनिंग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ से खिला के लेके जाएंगे, तो लोगों के बीच में जाकर जनसंपर्क करेंगे, जनसभा भी करेंगे, जाके अपने क्षेत्र अपने समाज के जो लोग हैं उन लोगों से मुलाकात भी करेंगे और अपनी एक निवेदन करेंगे कि जिन्होंने आपको सुरक्षा दी है, जिन्होंने आपके क्षेत्र का विकास कराया है और जो आपके क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, आपके देश का विकास कर सकते हैं, ऐसे भारतीय जनता। वहीं विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आने के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो चली हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं में दल बदल के साथ जोड़ तोड़ करने का काम भी रफ्तार में है। इसी कड़ी में गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक अभय सिंह ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और जेल प्रशासन पर कई आरोप लगाए। उनका कहना है कि जेल में मुलाकात के रोक लगने के बाद भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी के पति खब्बू तिवारी से सैकड़ों लोग रोज मुलाकात करते हैं। अभय सिंह ने दावा किया कि अगर मीडिया चाहे तो उन्हें वीडियो और स्टिल फोटो भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जिसकी शिकायत लगातार चुनाव आयोग से की जा रही है। हर जगह इस समय महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो चरम पे है ही है, आप लोग भी जान रहे हैं, हर जगह ये मुद्दा चल रहा है। लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने क्षेत्र में जितने भी गरीब या मजदूर थे, किसान थे, चाहे वो दलित रहा हो, चाहे सवर्ण रहा हो, चाहे पिछड़ी जात का, चाहे पिछड़ी जात का रहा हो, उसके दुख और सुख को हम लोगों ने अपना दुख और सुख समझा। हम, हमारी पत्नी डॉक्टर सरिता सिंह, हमारे पिताजी श्री भगवान भक्त सिंह, हम सभी लोगों ने उनको पूरा अपना परिवार माना और उनके दुख और सुख में हम लोग लगातार भागीदार रहे।
अयोध्या में गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से गांव मरऊ सराह में रेलवे क्रॉसिंग में फाटक लगने से करीब एक अरसे से जनता की मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है और अब विधानसभा चुनाव आते ही लोगों का गुस्सा एक बार फिर फूटा है। ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करते हुए चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। बताते चले कि करीब 20 साल पुरानी जनता की इस समस्या का आज तक समाधान नहीं किया गया है। इसी समस्या को देखते हुए सैकड़ों ग्रामीणों ने गेट नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करते हुए चुनाव लड़ने वाले नेताओं को आईना दिखाया है। यहाँ पर गेट होना जरूरी है, 3-4 ग्राम सभा इससे जुड़े हुए हैं, वो आने जाने की सुविधा होती है। किसी भी आपातकाल की अगर हमें जरूरत पड़ती है, जैसे फायर ब्रिगेड बुलाना हो, 112 बुलाना हो, तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत होती घूम के आए, उस समय हम पहुंच नहीं पाएंगे या हमारी पेशेंट वगैरह ऐसे कोई भी हो वहाँ पहुंचाने के लिए, इसलिए गेट को बनना बहुत ही जरूरी है। ये बराबर ठगी जा रही है यहाँ की जनता कि अब की गेट बन जाएगा, अब की गेट बन जाएगा। सांसद आते हैं, विधायक आते हैं और चुनाव होता है चले जाते हैं। ये कई वर्षों से लगातार, मतलब ये मान के चलिए कि आज़ादी के बाद से यहाँ की जनता परेशान है। हमारा पूरा गांव सभा मरुई साई सिंह बड़ा गांव यहाँ से इसी फाटक से होकर गुजर। भाजपा प्रत्याशी दीपक मिश्रा का देवरिया के कई इलाकों में जोरदार स्वागत किया गया है। बता दें कि 342 बरहज विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर मुसेला चौराहा और खुकुंद चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से दीपक मिश्रा का फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। भाजपा प्रत्याशी दीपक मिश्रा ने कहा कि इन लोगों की हर समस्या का हल निकाला जाएगा और जीत के बाद परेशान युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। दीपक जी, आप भाजपा प्रत्याशी बनाए गए हैं, आपको कैसा लग रहा है और क्या करेंगे जनता के लिए? आप जनता के हर मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखूंगा, जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा। पार्टी ने जो मुझे विश्वास जताया है उस विश्वास को कायम रखूंगा। यहाँ पर चमका दीजिएगा। आप युवाओं के लिए क्या आप सोचे, युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? युवा देखिए, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश है और हिंदुस्तान की 60% आबादी युवाओं की है। युवाओं के लिए जो कुछ भी मिशन विजन बनाया है आदरणीय मोदी जी ने, जोगी जी ने, उस सारी योजनाओं को। रायबरेली में शराब कांड को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उस ठेके को जेसीबी से जमींदोज कर दिया है जहां से मृतकों ने शराब खरीदी थी और ठेका चलाने के लिए ली गई दुकान के मानक पूरे नहीं थे। बता दें कि बीते 25 फरवरी को महाराजगंज के पहाड़पुर स्थित इसी ठेके से शराब जो है वो ली गई थी और शराब पीकर 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद यह संख्या बढ़कर 9 हो गई थी। पुलिस ने ठेके की इसी दुकान को सील करते हुए ठेकेदार धीरेंद्र सिंह और सेल्समैन राम प्रताप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और सेल्समैन राम प्रताप को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वही विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रुदौली से अवैध असलहे बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 11 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही 3 अर्धनिर्मित तमंचे और उनके उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को भी जब्त किया गया है। फिलहाल मामले में अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेजने की तैयारी है। एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी कि रुदौली में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चल रही थी। कई बार दबिश दी गई लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। अब जाकर उन्हें कामयाबी मिली है। थाना रुदौली क्षेत्र में कुछ समय से जानकारी में आ रहा था, सूचना प्राप्त हो रही थी कि अवैध शस्त्र का निर्माण किया जा रहा है। टीमों को लगाया गया था। टीम को कल रात में 19/30 जनवरी की रात को सफलता प्राप्त हुई है। खैरी बंदा है घाघरा नदी के किनारे खैरी गांव में, जहां से कल टीम ने दबिश मारकर 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। एक का नाम मोहम्मद रईस है, दूसरे का ईरान है। मौके से 11 निर्मित शस्त्र, 3 अर्धनिर्मित शस्त्र तथा शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी करके कड़ाई से पूछताछ की गई है। सप्लाई चेन में कुछ और लोगों का भी नाम आया है, उसको भी उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। इनको गिरफ्तार करके बांदा में पुलिस ने मुठभेड़ में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 25,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अपराधी पर जनपद के विभिन्न थानों में 12 से अधिक पंजीकृत मुकदमे थे। सूचना पर गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस फोर्स पर अपराधी ने फायरिंग शुरू कर दी। बाद में शातिर अपराधी को पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। उसके काफी ज्यादा ब्लीडिंग थी और हम लोगों ने यहाँ पे उसका उपचार चालू कर दिया। उसकी हालत स्थिर बनी।
वजह देखा जाए तो क्या कहीं रिफर करने लायक है कि किस हालत में? अभी पैर में गोली लगी है, मरीज का बीपी ठीक है, उसके सारे वाइटल्स ठीक हैं, अभी हालत उसकी ठीक है, इसलिए इसको यहीं रखा हुआ है। और ये एक सूरज सिंह नाम का अपराधी है, थाना कमाल सिंह का रहने वाला है, जिस पर लगभग एक दर्जन मुकदमे हैं, जिसमें चोरी लूट NDPS के मुकदमे हैं। और इस पर पीछे हमारी टीम लगी हुई थी, आज कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत जो है SOG और कोतवाली देहात की पुलिस ने जब इसको रोका, जिसने पुलिस पर फायर किया, जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है, मैदानी कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। ये 25,000 का इस पर इनाम भी था। सर लगभग कितने मुकदमे दर्ज होंगे? एक दर्जन मुकदमे दर्ज। सर ये कहाँ पे हो? अगली खबर फतेहपुर से है, जहां पर देवमई विकास खंड क्षेत्र के अकबराबाद ग्राम पंचायत में कोटेदार मुनि देवी के राशन वितरण की दुकान पर गोदाम से गेहूं चावल के एक साथ मिलावटी बोरी बरामद की गई है। आपको बता दें कि लापरवाही की हद तब देखने को मिली जब कोटेदार के यहां ग्रामीण राशन लेने पहुंचे, जिसके बाद कोटेदार दिखा रहा है कि गेहूं और चावल बोरी में एक साथ मिलाकर दी गई है, जबकि कोटेदार के अनुसार इसको जो खाद्यान्न की बोरी मिली है वो गोदाम से सिली हुई बरामद हुई थी। वहीं महाराजगंज में एक विधायक का अमानवीय चेहरा सामने आया है। एक विधायक ने वोटरों को धमकी दी है और कहा है कि 50 वोट नहीं दोगे तो क्या बन बिगड़ जाएगा। दरअसल फरेंदा के विधायक बजरंग बहादुर सिंह ने जनसंपर्क करते हुए एक गांव में वो पहुंचे हुए थे। इस दौरान उनके कुछ लोगों से मुलाकात हुई, उन्होंने 200 मीटर रोड बनवाने की बात कही, न बनने पर वोट न देने की भी बात कही। इस पर विधायक बजरंग बहादुर सिंह नाराज हो गए, यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि 50 वोट से मेरा कुछ बनने और बिगड़ने वाला नहीं है। अब विधायक का यह वीडियो चर्चाओं का विषय बन गया है। डेढ़ करोड़ का काम भाई, एक बार कहलाना विधायक जी बहुत अच्छा किए। हम कहा था ये 200 मीटर ना बोलो, कहते धमकावा टाटा रिकॉर्ड रिकॉर्ड ऐसे होगा। डेढ़ करोड़ का कर्जा करी उनाई पर पैसा है ये 1.5 किलोमीटर बंद है। एक बार कहा था कहीं नहीं, नहीं, नहीं वही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से महाराजगंज में नोडल अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। ये बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न की गई, जिसमें नामांकन, पोलिंग पार्टियों के प्रशिक्षण और निर्वाचन से संबंधित सभी तैयारियों की समीक्षा की गई, जिसमें कई बिंदुओं पर कमी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने जल्द से जल्द निस्तारित करने के दिशा निर्देश दिए। DM ने निर्देश देते हुए कहा कि नामांकन के दौरान कानून व्यवस्था के मद्देनजर बैरिकेडिंग का कार्य कराया जा रहा है, सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाए। देखिए इलेक्शन से संबंधित जितने भी हमारे नोडल ऑफिसर्स होते हैं उन सब लोगों के साथ आज मीटिंग की गई है। हमारे प्रेक्षक से संबंधित व्यवस्था हो या हमारे पोलिंग पार्टियों से संबंधित व्यवस्थाएं हो, ट्रेनिंग से संबंधित कार्य हो या वीडियोग्राफी से संबंधित हो या वेबकास्टिंग से हो, सभी बिंदुओं पर सभी समस्त अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। अभी तक जो उनसे अपेक्षित प्रगति थी, ज़्यादातर लोगों ने अपना कार्य पूर्ण कर रखा हुआ है। कुछ जगहों पे कमियां थी उनको इंगित किया गया है और उसको भी समय पूरा कर लिया जाएगा। हमारे यहाँ 4 तारीख से नॉमिनेशन का कार्य शुरू हो रहा है, उसी टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य जो है वो समय पूर्ण कराए जाए, इसके संबंध में निर्देश दिए। गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला की हत्या करने के बाद शातिर बदमाश मौके से फरार हो गए। इसके बाद लोगों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। घटना स्थल की घेराबंदी करते हुए ADG SSP सहित पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने इलाके का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण करने आए SSP ने कहा कि पुलिस हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। जानकारी मिली कि घटना के समय घर में महिला और मृतका का बच्चा मौजूद था। SP नॉर्थ की अगुवाई में पुलिस की 3 टीमों को घटना का अनावरण करने के लिए इस वक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है और जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। महाराजगंज में बुजुर्ग कैदी 16 साल बाद रिहा हुआ है। बता दें कि जमीनी विवाद में हुई हत्या के मामले में 16 साल से सजा काट रहे जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम जड़ार टोला बरगधिया का 73 साल के बुजुर्ग कैदी को शासन के निर्देश पर रिहा कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम जड़ार टोला बगड़ दहिया के इस बुजुर्ग को आज रिहा किया गया है और जेल के अच्छे आचरण के कारण कैदी की सजा को शासन ने माफ कर दिया है और उसे रिहाई दे दी गई। एक
302 में वांछित थे और 16 साल 6 महीना 17 दिन इन्होंने सब परिहार अपनी सजा पूरी की थी। वास्तविक सजा इन्होंने 14 साल से अधिक पूरी कर ली थी और शेष सजा को शासन ने माफ कर दिया। उपराशय का आदेश मुझे प्राप्त हुआ जिसके अनुपालन में आज उनको उनके घर से उनके पुत्र को बुलाकर उनके सुपुर्दगी में दिया गया। वो प्रसन्न थे, प्रसन्नतापूर्वक अपने घर गए। पर एक युवक ने पेट्रोल डालकर खुद पे आग लगा ली है। भीषण आग को देखते हुए लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई और उन्होंने आनन फानन में कपड़ों की मदद से आग की लपटों में घिरे युवक को किसी प्रकार से बचाया। सूचना के बाद तत्काल लोगों ने घटना स्थल से चंद दूरी पर मौजूद पुलिस चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों को पूरी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। फिलहाल युवक आगरा में भर्ती है और उसका इलाज जारी है। वही सोनभद्र के अजीरेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में सामूहिक कन्या विवाह महाउत्सव का आयोजन किया गया। बता दें कि राधा कृष्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में यह आयोजन किया गया। वहीं इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए डॉक्टर अरुण आचार्य महाराज की ओर से पूजा पाठ किया गया था और इसी के साथ अजीरेश्वर महादेव मंदिर से कलश यात्रा भी निकाली गई। वहीं गोरखपुर के गीढ़ा थाना के कैली गांव में बदमाशों ने घर में सो रही 40 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी है। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज अजय कुमार संघ और थाना प्रभारी विनय कुमार सरोज ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्षेत्राधिकारी ने बताया है कि महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शव को जांच के लिए फिलहाल भेजा गया है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। थाना गीडा में आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि गांव में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची है, तमाम अधिकारी मौके पर आए हैं, घटना स्थल निरीक्षण किया गया है। घटना घर के अंदर की है और जब घटना हुई है तो घर में एक बच्चा और एक महिला भी मौजूद थे। तमाम प्रकरण की जाँच की जा रही है और जो भी तहरीर आएगी उसके आधार पर आगे कार्यवाही कर इसका शीघ्र अनावरण किया जाएगा। फिलहाल इसमें एडिशनल एसपी नॉर्थ के नेतृत्व में हमने 3 पुलिस टीम लगाई है प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।